Hello guys, welcome back to my another video. This is Manjit and you are watching on your YouTube channel My Smart World. तो दोस्तों अगर आप लोग एक इंटेलिजेंट और फैमिली ब्रीड की तलाश में हैं तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही होने वाली है, क्योंकि पॉपुलर डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज जो ब्रीड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रीड में से एक है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लेब्राडोर के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए गोल्डन एंड ब्लैक कलर के लेब्राडोर के पपीज लेके आया हूँ। आगे मैं आप लोगों के इनकी मदर फादर की मीटिंग की पिक भी दिखाऊंगा। पपीज आप लोग देख सकते हैं और इनकी क्वालिटी भी देख सकते हैं। क्वालिटी आप लोग एक बार मुझे नीचे कमेंट्स कर जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और आगे आप लोग इनके मदर और फादर की क्वालिटी भी देखोगे। अगर आप लोग एक लेब्राडोर के पपीज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और साथ में अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन डॉग्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को दबाकर पाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेब्राडोर जो ब्रीड होती है काफी अच्छी फैमिली ब्रीड होती है, और अगर आप लोग इन्हें एज ए गार्ड डॉग रखने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को निराशा आत लगे, क्योंकि इतने अच्छे गार्ड डॉग्स नहीं होते। इनका फ्रेंडली बिहेवियर होने की वजह से ये अननोन लोगों के साथ भी फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, और ये जो पपीज हैं यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों को ट्राई करता हूँ कि इनके मदर और इनके फादर की आप लोगों को वीडियो दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनके मदर और इनकी फादर है। तो क्वालिटी आप लोग इनकी दोनों की देख सकते हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है। तो आप लोग भी मुझे एक बार नीचे कमेंट्स कर बताना कि आप लोगों को इनकी क्वालिटी कैसी लगी। और अगर आप लोग कोई भी पपी परचेज करते हैं तो प्लीज उनकी वैक्सीनेशन और उनकी डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम कराएं, जिससे आप लोगों के डॉग काफी हेल्दी और एक्टिव बने रहें। और अगर हो सके तो उन्हें सुबह शाम थोड़ी बहुत वॉक और फिजिकल एक्सरसाइज कराएं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एज की। इनकी जो एज है वो 33 डेज ओल्ड है। जी हाँ गाइस, ये एक महीना 3 दिन के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है हरिद्वार, उत्तराखंड से। अगर आप लोग हरिद्वार के आसपास से कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं, और ओनर यहाँ पर डिलीवरी भी अवेलेबल करा रहा है। 200 किलोमीटर तक ओनर डिलीवरी कर सकता है, तो आप लोग अगर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उसके लिए ओनर से कॉन्टेक्ट करें। तो फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है, मेल की है 10,000 रुपये, और जो फीमेल है उसकी की है 8,000 रुपये। क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा मुझे एक बार नीचे कमेंट्स कर जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के ओपिनियन से ही पता लगता है कि डॉग की क्वालिटी कैसी है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग या कोई और एनिमल है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं, तो एक बार मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।